नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सुष्मिता देव, राजस्थान प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव नीतू वर्मा, सोइन प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती रेहान रियाज चिश्ती के निर्देशानुसार महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान मिशन मास्क के तहत जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष श्रीमती कमलेश सैनी के नेतृत्व में आम जन को निःशुल्क वितरण के लिए मास्क बनाने का शुभारंभ। जिला अध्यक्ष श्रीमती कमलेश सैनी ने बताया कि देश भर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अब तक करीबन 2,00,000 से अधिक संख्या में मास्क तैयार कर आम जन को निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। इस मास्क अभियान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही सराहना की है। नगर परिषद की पूर्व सभापति एवं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि मैंने और मेरे बेटे ने वार्ड नंबर 35 के पार्षद अंशुल कुमार सैनी को इस मिशन मास्क अभियान के बारे में अवगत कराया तो उन्होंने वार्ड के भामाशाहों से धन एकत्रित कर वार्ड के ही लोगों को निःशुल्क वितरण के लिए 200 मीटर कपड़ा एवं अन्य सामग्री खरीद कर सौंप दी है, जिससे महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सिलाई मशीन से निःशुल्क मास्क तैयार करने की शुरुआत कर दी है। वितरण पूरे देश भर में कर चुकी है, उसी के तहत आज जिले में मैंने वार्ड नंबर 35 से इसकी शुरुआत की है। वार्ड नंबर 35 में जो कच्ची बस्ती है पूरी, बिल्कुल ये कच्ची बस्ती है। यहाँ 3 कच्ची बस्तियाँ हैं, सोनावा उत्तर, सोनावा दक्षिण और सोनावा नहर के नीचे। ये तीनों बस्तियाँ नोटिफाइड कच्ची बस्तियाँ हैं और यहाँ पर मेरी महिला कांग्रेस की पूरी टीम लगी हुई है मास्क बनाने में। हमारी महिला कांग्रेस ने आज ये निर्णय लिया है कि वार्ड नंबर 35 से, जिसमें कि मेरा बेटा अंशुल कुमार सैनी है और उन्हीं के वार्ड के लोगों द्वारा, उनके जन उन्हीं वार्ड के जनप्रतिनिधियों द्वारा, दानदाताओं द्वारा मुझे ये कपड़ा उपलब्ध करवाया गया है और उसी के तहत मैंने आज इस कार्यक्रम की मास्क बनाने की शुरुआत की है। और हमारी महिला कांग्रेस की टीम इस कार्यक्रम में लग चुकी है। आज शहर में ही हम लोग कई मोहल्लों में इस कार्यक्रम की शुरुआत। लगभग कितने मास्क बन जाते हैं? लगभग 1,000 के समथिंग मास्क बन जाते हैं। ये सारे कच्ची बस्तियों में? बिल्कुल, ये सारी कच्ची बस्तियों में मेरी महिला कांग्रेस की टीम लगी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश सैनी है। सभी गरीब तबके के लोगों को मास्क वितरण करवाने की एक योजना है, तो उसमें सबसे बड़ी सामने हमारी दिक्कत ये आ रही थी कि कपड़े की दिक्कत थी कि कपड़ा कहाँ से खरीदे। तो मैंने मेरे वार्ड में ही जो उच्च लोग थे, जो भामाशाह थे, जो अपने कुछ योगदान कर सकते थे इसमें, उनसे मैंने टच किया उन्हें, और वो जितनी सक्षम होकर हम दे सकते थे उनके सहयोग से हमने लगभग 200 मीटर कपड़ा खरीदा और उनको कटवा दिया। और लगभग 14-15 जगहों पर हमने अलग अलग बस्ती में ही महिलाओं को दे दिया है, वो अपने हिसाब से जितना हो सके। लगभग इस हिसाब से हम लगभग 1200 से 1500 मास्क प्रतिदिन के हिसाब से तैयार करवा रहे हैं और 3 तारीख को जो करके हम हो सके जल्दी से जल्दी उन्हें वितरण करवाने की बना रहे हैं। घर घर में जो मास्क बन रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है जो मास्क बन रहे हैं? ये कोरोना महामारी के चलते हुए सभी गरीब बस्ती मास्क दिए जाएंगे और घर घर बनाए जा रहे हैं। ये हम निःशुल्क मास्क देंगे। लगभग कितने मास्क बन जाते होंगे? दिन भर में कम से कम 50 बना। 50 बन जाते हैं। तो पूरी बस्ती बना रही है? पूरी बस्ती बना रही है, पूरी वार्ड नंबर 35 में पूरे घर पर बनाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला सैनी। अच्छी बस्ती है।